मेरे पास तुमो। मैं चुप करना, मेरे पास तुमो। कभी यूं कभी कहीं धक्का पड़ रहा होगा, कहीं कोई उल्टी प्रेग्नेंट हो गई, यही चल रहा होगा। कोई स्टेप डॉटर क्या चल रहा है, स्टेप सिस्टर चल रहा है, ये खुराफात जो है ना ये hubchoki.com से आ रही है, मुझे तो ये लग रहा है। हाँ भाई, अनदर डे इन द कोलोसल फकरी दैट इज कॉल्ड द ड्रामा इंडस्ट्री। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ड्रामों में आते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है उनके आर्ट के लिए, उनके स्किल के लिए, मगर वो भी मजबूर हैं, यही टॉपिक आते हैं ड्रामों के, इन्हीं में से चूज करना। मैं प्राइम मिनिस्टर की कोई बात से अग्री करूँ ना करूँ, पहले दिन जब उन्होंने बात की थी ना कि इस मुल्क में स्टंटेड ग्रोथ एक प्रॉब्लम है, बच्चों को सही दूध नहीं मिला, आयोडीन नहीं मिला, जहनी नशोनुमा नहीं हुई, एक ये भी है, इसकी भी नहीं हुई, सही दूध नहीं मिला इसको, सही है, तो ये प्रॉब्लम है। तो ऐसी जनरेशन, एक तो 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता इस मुल्क में, गो स्कूल है अंदर गधे बंधे हुए, गधा गधी लगे हुए अंदर, और कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, गधे प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाती है बात, स्कूल बच्चे जाते नहीं है, दूसरी जगहों पे जाएं तो अगली दुनिया की बात होती है, इस दुनिया की बात ही नहीं होती, तो ये दुनिया हमारी है ही बेकार, तो इसको हमने बेकार ही रखा हुआ है। फिर रह जाती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो कि लोगों को कुछ सिखाती है, लोग कुछ सीखते हैं, हम भी भाई अच्छी फिल्मों का प्रोडक्ट है, मिस्टर इंडिया देखी थी भाई, बुरा मोगैम्बो का साथ नहीं देना, मिस्टर इंडिया अच्छा आदमी है और लड़ना है और मतलब गब्बर सिंह को हराना है, ये लेसन होते थे ना फिल्मों में, तो ये प्रोड्यूस करती है, सोच बना। अब हमारे यहाँ भाई, हमने तारिक अजीज शो देख के बड़े हुए हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं वाटर कूलर, नोबल का टीवी मिलता था, अच्छा नोबल इनाम तो आ ही नहीं सकता, नोबल का टीवी, मगर सवाल कड़क होता था, तारिक अजीज साहब मरूम कड़क सवाल करते थे, इनाम जितना छोटा हो सवाल बड़ा होता था। अभी तो सवाल की नौबत एक जैसे कपड़े, यू हैव रीच द पिनिकल ऑफ इंटेलिजेंस के 2 लड़कियां एक जैसे कपड़े पहन के आ गई, इनामात की बोछाड़ कर दो, फकीर हो गए लोग, भिकारी, आमिर भाई को बाप बना रहा है एक बच्चा, मोबाइल के चक्कर में वल्दियत चेंज कर रहा है, ये कहां से हुआ, ये क्यों हुआ, ये नॉर्मलाइज कैसे हुई है पिछले 20 सालों में जो हमने टीवी पे देखा। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब वो एक होता ना वो केबल पे, आप अब मैं तो बड़ी जमाना हो गया टीवी नहीं देखा, मगर वो केबल वाले आजकल क्या करते हैं, एक टाइप के चैनल एक साथ, यानी सारे ड्रामे वाले चैनल, फिर सारे न्यूज वाले चैनल, फिर स्पोर्ट्स वाले चैनल, म्यूजिक तो खत्म ही हो गया यहाँ, और फिर मजहबी चैनल कोने में आते हैं बिल्कुल एंड में ना, हमारे अब्बा लगे हुए होते हैं यूं यूं करके, फिर पहुंचते हैं वो मक्का, सही है, एंड में डाल देते हैं उसको, शुरू में डालनी चाहिए चीजें। एनीवे, तो अगर आप शाम 8 बजे ड्रामो वाले सेक्शन से यूं घुमाओ ना चैनल तेज 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 तेज, तो या कहीं यहीं चमाट पड़ रहा होगा, कभी यूं कभी कहीं धक्का पड़ रहा होगा, कहीं कोई उल्टी प्रेग्नेंट हो गई, यही चल रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा इस मुल्क में औरतों पे जुल्म नहीं होते, मैंने 60 एपिसोड्स बनाई हैं आस गंजी स्वैग की, उसमें यही मसले मसाइल हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते, मगर आप बार बार एक ही चीज़ दिखा के पिछले 20 साल ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती कि हाँ ठीक है, वो फिर शॉक वैल्यू खत्म हो जाती, क्योंकि जब आप एक चीज़ रोज़ देखोगे उसकी शॉक वैल्यू खत्म। क्या रह दे कि यही टॉपिक्स हैं, कल एक ट्रेलर नज़रों से गुजरा कि जी वो कोई शादी हो गई है लड़का लड़की की, तो नानी अम्मा आके बता रही हैं ये तो बहन माई हैं, मतलब क्या चल रहा है ये, कोई स्टेप डॉटर क्या चल रहा है, स्टेप सिस्टर चल रहा है, ये किसी ने रात को कुछ देखा है और बोला यार ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको मैं देसी वर्जन बना देता हूँ। अब बाहर मुल्कों में होती है वॉशिंग मशीन अच्छी वाली, फ्रंट लोड जिसको कहते हैं, लोड कुछ और ना समझना, फ्रंट लोड जिसमें आप अपना डर्टी लोड डालते हैं, नो पन इंटेंडेड, उसमें दोशीसा फंस जाती हैं, फिर कहती हैं हे ब्रो आई एम स्ट्रक प्लीज हेल्प, वो हेल्प मांग दिए वो अपने आप की अपनी हेल्प कर लेता है। तो किसी ने ये चीज़ देखी, बोला यार अब इसको मैंने नॉर्मल करना है देसी वर्जन। अब देसी वर्जन देखें, यहाँ पे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीनें नहीं होती, आम आदमी के घर में नहीं होती, तेरे घर में सबके होती हैं टॉप लोड। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, यहाँ पे ज़्यादातर ये तो हमारे घरों में सैमसंग डॉलेंस की मशीनें हैं, आम घरों में नेशनल की स्टील वाली जो फैसलाबाद में बनती हैं, जिसकी मोटरें यहाँ गिजरी पे सही हो रही होती हैं, बड़ी वाली मोटर भारी। अब उसमें कोई स्टक तो हो नहीं सकता हे स्टेप ब्रो, क्योंकि वो उसका मुंह बड़ा होता है, और फिर यूं ऊंधा होके कौन डालता है कपड़े, कपड़े तो यूं फेंकते हैं ना, यूं करके कौन डालता है, इट डजंट मेक सेंस। अब उसका बनाना है देसी और गरीब वर्जन है, तो गरीब रजाई बहन भाई, गरीब होता ही रजाई के अंदर है, तभी तो बढ़ता रहता है क्योंकि रजाई के अंदर है ना, तभी तो बढ़ रहे हैं, इनको रजाई से बाहर निकालना है। वो भाई कोई कह रहे हैं रजाई बहन भाई है, इस पे मैंने देखा तो पता चला अगर ब्रेस्ट फीडिंग एक माह से कर दी जाए तो वो उसको दूध शरीक बहन भाई भी बोलते हैं, ये टर्म्स हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आता ऐसे ऐसे भी वाक्यात हुए हैं कि अगर 2 कजन्स एक ही एज की हैं और माँ को पता नहीं चला मेरी बच्ची कौन है दूध पिला दी, ऐसे भी वाक्यात हुए। मतलब यार मतलब हाउ इनसेंसिटिव डू यू हैव टू बी कि अपनी औलाद नहीं पहचान रहे,
किसी और को पकड़ के दूध पिला दिया पिला दिया तो वो बहन भाई हो गए या बहने हो गई या भाई हो। तो वो आंटी आके बोलती है भाई ये तो बहन भाई हैं, वो भी रजाई वाले, और वो वहाँ उपकाइयां यूं कर रही है, वो तो हैदराबाद गली जा रही है, हैदराबाद कॉलोनी अचार गली है, तू भी जाता था ना वहाँ आम का मुरब्बा लेने, वहां तो ये चल रहा है। बात इंसेस्ट की तरफ जा रही है, ये क्या चीजें नॉर्मलाइज हो रही है इस मुल्क में। जब टीवी लगाओ साला भाभी क्या नहीं देवर भाभी लगे हुए हैं, या फिर साली पे नजर है, या सुसर से भी चक्कर है, अबे सुसर भी आउट चल रहे हैं यहाँ पे भाई। जब हर दीवार पे माजून मछली का एड होगा, जॉय लीजिए एंजॉय कीजिए, इतने बड़े बड़े साइन बोर्ड होते थे एक जमाने में, याद है तुझे? बड़ा याद है, तेरा क्या काम भाई? यही टॉपिक है। एक वीडियो में मैंने कहा था हमारे ड्रामों के टॉपिक या तो तलवार है या शलवार है, तीसरी बात ही नहीं कर रहे, या तो अर्तुगरुल तलवार लेकर आ रहा है या यहाँ पे शलवारों के मामला चल रहा है, तीसरी कोई बात ही नहीं। क्या इस मुल्क में टीचर्स नहीं बनते? क्या आप किसी सिंध गवर्नमेंट के गो स्कूल के टीचर पे कहानी नहीं बना सकते जो घर पे बैठ के यूं करके तनख्वाह ले रहा है? इस पे भी तो कहानी बन सकती है। यहाँ के इंजीनियर नौकरी तो मिल नहीं रही, छोकरी भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा उसको, क्या वो भी तो एक स्टोरी है? इकरा के मीडिया साइंसेज वाले कजन के यहाँ नौकरी कर रहे हैं क्योंकि किसी ने देनी नहीं है, ये भी तो एक मसला है। कितने तेरे बैच में? इकरा वालों के लिए कोई ड्रामा नहीं बनेगा क्या? इकरा अजीज को लेके तो बन जाता है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। कितने 8,000 बच्चे हैं? कितने? 25,000। ये आए कहां से इतने बच्चे? 25,000 बच्चा घूम रहा है, इन पे कोई स्टोरी बनाओ। गोल्फ क्लब सब जाते हैं शादियां वलीमे करने, हम भी परसों वलीमे में गए थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त की वलीमा था। खैर वहां आप ड्रोन उड़ा नहीं सकते क्योंकि लंबर वन मामला आते हैं, लेकिन अगर आप उड़ाएं अपने जहन में ड्रोन उड़ाएं, इधर गोल्फ चल रहा है, इधर बंगाली और बर्मी रह रहा है बगैर डॉक्यूमेंट के 50 साल से, वो अस्पताल में इलाज भी नहीं करा सकता, उसको कोई नौकरी भी नहीं देता, वो मछेरा भी नहीं बन सकता क्योंकि कोस्ट गार्ड वाले शनाख्ती कार्ड देके पानी में जाने देते हैं, अदरवाइज इंडियंस उठा लेते कि तू स्पाई है। ये भी तो स्टोरीज है। टीचर कोई डॉक्टर नहीं बनता इस मुल्क में? डॉक्टर की क्या स्ट्रगल्स हैं कि डॉक्टर गवर्नमेंट अस्पताल में बैठा हुआ है और आपको कह रहा है शाम को मेरे क्लिनिक आओ, यहाँ पे दवाई जहन में नहीं आ रही, वहां अचानक आ जाएगी, वो भी तो करप्शन हो रही है, उस पर कौन बात करेगा? या डॉक्टर्स खुद फार्मास्यूटिकल कंपनीज को धमकियां दे रहे हैं कि मैं एक कार्डियोलॉजी पे सेमिनार करवा रहा हूं, कहां पे? बुरबन में। 800 डॉक्टर आएगा, ये ले जी 6 करोड़ का बिल है सब, और आपने मुझसे हिसाब किताब नहीं लेना, सब मैं कर। डॉक्टर पैनाफ्लेक्स छपवा रहा है, पैम्फलेट छपवा रहा है, मतलब बड़े बड़े कार्डियक सर्जन ये काम कर रहे हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज मजबूर हैं, क्या करें, उनको तो अपनी दवाई बेचनी है, तो 8,000 करोड़ के जो टीके लगा रहे हैं, इन स्टोरीज पे कौन बात करेगा? मगर रह दे के वही अभी वो आया क्या अदनान सिद्दीकी, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, वो पर्ट प्लस के एड में आते थे किसी जमाने में, तुम तो पैदा ही नहीं हुए थे, हम तो पर्ट प्लस से क्या क्या धो रहे थे, तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम पैदा ही नहीं हुए थे। तो वो क्या रिमोट जगहों पे जाके वॉश बेसन लेके, अदनान भाई मतलब पूरी टीम होती थी, वॉश बेसन ले लेके घूम रहे शहर में, लोगों के बाल धो रहे, वो अदनान भाई तो खड़े होते थे, चैलेंज करते थे, हम बाल धुलवाए, पर्ट प्लस एक शैम्पू आता था, मैं तो उस जमाने से उनका फैन हूँ। तो अदनान भाई से एक बार वीडियो कॉल पे बात हुई थी। एनीवे, तो अभी वो आया कि अदनान भाई और ये सारे लोग मिलके, क्या नाम है, महमूद गजनवी नहीं दूसरा, सलाउद्दीन अयूबी पे ड्रामा बना रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, बनाए, हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामास हमें चाहिए। बाबर अली एक एक्टर होते थे, आपको याद होगा फिल्मों में आते थे, रीमा के साथ जोड़ी थी उनकी। बाबर अली सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम बने थे ड्रामे में, तो हमारी भी उनसियत बड़ी थी कि अच्छा भाई ठीक है, ये भी एक हिस्टोरिकल फिगर थी। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होनी चाहिए, मगर वेरिएशन तो हो। अब सलाउद्दीन अयूबी में तलवारें हो रही होंगी, फिर इधर बहन भाई शलवारें, भाई यही हो रहा है, कोई तीसरी बात ही नहीं कर रहा। इतना सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है ये मुल्क, दीवारों पे सेक्स बिक रहा है, मगर सेक्स का नाम ले लिया, ओह क्या बोल दिया ये, शौहर बीवी का हाथ पकड़ ले शादी में, तस्वीर खिंचाते हुए कंधे पे हाथ, अल्लाह इनको शर्म नहीं आ रही, अबे शर्म, ये चार जो घूम रहे ये कहां से है, वीटा डबल रोटी में निकले थे क्या ये चुपक रहे तो आ रहे हैं, ये इतनी जो तुम्हारी पलटून, ये जो 800 बंदा शादी में आए कहां से पैदा हुआ है, ये हाथ से आगे का मामला है, ये हाथ पकड़ने पे रोक रहे हैं, अजीब लोग हैं यार, करते भी एक ही काम है फिर वो उस पे बात भी नहीं करते, ड्रामों में भी यही भरा हुआ है। तो आप अभी वो आई है कि तरदीद आई है कि नहीं वो टीजर उन्होंने हटा दिया है, असल में वो माँ जो वो फुप्पी है लड़की की, फुप्पी रिश्ता तोड़वाने के लिए उसके अपने भाई के कान में डाल दिया कि ये तो बहन भाई थे, तुमने क्या इनकी शादी करा दी, अच्छा है भी कजन, एक तो कजन मैरिज ने बेड़ा गर्क किया हुआ इस मुल्क का। वो कहते ना डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज लाइक मैरिज इन चिनियोट, ऑल विद इन फैमिली दैट लीड्स टू फर्दर रिटार्डेशन ऑफ द जनरेशन। तो सबसे बड़ा मसला ये है, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा कजन मैरिज के रिस्पॉन्सिबल अल्हम्दुलिल्लाह नंबर वन पाकिस्तानी, फिर सारे जो हैं इसी पे उनको अपनी कजन ही समझ आ रही है, क्या सिखा रहे हो आप, बहन सम्मान होती है ना कजन, ये बहनों पे नजर रख रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। यही चल रहा है, जहां वो ड्रामे में लड़की पे यूं हाथ रखा, अगले सीन में
चलो जी प्रेग्नेंट हो गई, हाथ रखने से प्रेग्नेंट हो गई। वो पुरानी फिल्मों में होता था ना, यूं करीब आए तो फूल आ जाते थे, फिर एक छोटा सा फूल अस्पताल से बाहर आ रहा होता था। अबे हमने तो क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ी थी बायोलॉजी में, क्या बॉटनी में, ये क्या चल रहा है, फूल मिले और फूल आ गया, पता नहीं भाई क्या है यार, मैं तंग आ गया हूँ, मैं तो देखता ही नहीं। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रामे सारे बुरे होते हैं, कुछ ड्रामे वाकई बहुत अच्छे होते हैं जो बहुत अच्छे सोशल इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। उडारी एक अच्छा ड्रामा था, और कौन सा, ये मैंने सुने हैं लोगों से, मैं पर्सनली देखा नहीं। मेरे पास तुम हो, मैं चुप करना, मेरे पास तुम हो। और आजकल सुना है परीजात एक ड्रामा है, उसके बारे में काफी मैंने पोस्ट देखी हैं। आई एम नॉट डिनाइंग कि सारे ड्रामे बुरे होते हैं यार, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी अच्छी थी, हम एक्सपोर्ट करते थे ड्रामा। अबे कोरिया ने अपना कल्चर एक्सपोर्ट कर करके ये हाल कर दिया, गुजरावाला में बीटीएस वाला लगा हुआ है, अबे पहलवान घूम रहे नीचे, बीटीएस कोरियन क्या कर रहे हैं वहां पे, मगर उन्होंने कल्चरल पेनिट्रेशन कैसी कर दी, गुजरावाला में पहुंच गए बीटीएस, बीटीएस आर्मी गुजरावाला में मौजूद है, हमारी पूरी आर्मी वहां हो ना हो बीटीएस आर्मी वहां मौजूद है। भाई कल्चरल रेवोल्यूशन है, मीडिया के जरिए घुस गए आपके घरों में, वो क्या है चोंग मोंग, क्या नाम था उसका, जंगकॉक, वो उतार पोस्टर भी उतार दिया उसका, वो तो उतारेंगे ना, वो तो समझे पता नहीं, वो कह रहे जी लस्बेलियनिज्म फैला रहे हैं, उनको उनके फिर मसले मसाइल ही दूसरे ना, वो फिर खैर वो एक अलग डिबेट है। कोरिया ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो रहा था 90s में, इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उन्होंने अहद किया कि हम अपने मुल्क का 1% GDP एंटरटेनमेंट में लगाएंगे। 20 साल बाद उस पॉलिसी का क्या असर हुआ, वो कौन सी फिल्म थी जो ऑस्कर ले गई, पीस है ना, पैरासाइट, अबे पूरा हॉलीवुड हरा दिया, पैरासाइट जीत गई ऑस्कर। बीटीएस एक बैंड है, कौन सी कंपनी, अली बताते हैं ना कौन सी कंपनी का अंडर आती है बीटीएस, उनके पास 20 बीटीएस है। अबे घुस गए कोरियन आपके, कोरियन ड्रामे देख रही है लड़कियां नेटफ्लिक्स पे, ऐसा ही है, बताओ यार। खैर तो भाई एक जमाना था हमारे ड्रामे एक्सपोर्ट होते थे, इंडिया में कैसेट्स में देखे जाते थे हमारे 80s के ड्रामे, धूप किनारे, आंगन टेढ़ा, कसक हो गया, ये सारी चीजें देखी जाती थी, ट्रांसलेट होके चाइना में चलती थी, अरब कंट्री शारजा के चैनल्स पे आते थे हमारे ड्रामे यार। नीला आसमान था, कौन सा दूसरा आसमान, आबिद अली मरूम साहब का क्या था, नीला आसमान था, दूसरा आसमान था ऐसी कुछ था, वो शूट भी शारजा में ही हुआ था। मतलब एक जमाना था हमारे ड्रामों में लोकेशंस आती थी, बाहर जाके बनाए जाते थे, अब तो सबने बंगले ले लिए, उसी बंगले में वहां कोई पिट रहा है, वहां कुछ और हो रहा है, वहां बहन भाई लगे हुए, वहां साला साली लगे हुए, ऊपर वाले माले पे सुसर लगा हुआ है। ये खुराफात जो है ना, ये hubchoki.com से आ रही है, मुझे तो ये लग रहा है, ये राइटर्स बैठे हुए वहां पे रात में और कह रहे यार टॉपिक तो अच्छा, बस इसको देसी करना है, हे स्टेप फादर व्हाट आर यू डूइंग, वही उर्दू में करना है बस उसको, और वही हो रहा है। भाई कोई ढंग का ड्रामा बनाओ यार, है मैं कह रहा था भाई इकरा वाले फारिग घूम रहे हैं, इन पे भी ड्रामा बनाओ, इकरा का मीडिया साइंस ये भी एक साइंस है, इस पे बनाओ ड्रामा। अभी एक जमाने में नेशनल ज्योग्राफिक वाला प्रोग्राम उर्दू में डब होके आता था, हम बड़े शौक से देखते थे, अब वो भी नहीं आता क्योंकि हमारा कोई लेना देना, इंडिया में आता है डिस्कवरी हिंदी में, एनिमल प्लैनेट हिंदी में, नेशनल ज्योग्राफिक हिंदी में, बना नहीं सकते, खरीद के ट्रांसलेट ही कर लो, लेकिन नहीं भाई हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं है, प्रायोरिटी सिर्फ दो चीज, शलवार और तलवार, शलवार उतार के पैदा किए जाओ, फौजी भर्ती किए जाओ, और तलवारें पकड़ा के मशीन गन के दौर में तलवारें पकड़ा दो इनको, पैदा किए जाओ फजूल। अभी मैं देख रहा था एक, ये पिछले 20 साल की खुराफात में ये जनरेशन पैदा हुई है, तो अगले 20 साल को हम कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हो आप भाई। ये कहते हैं ना, आप जब जॉब इंटरव्यू पे जाते हो तो क्या बोलते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, तो यही सवाल मैं आप सबसे कहता हूँ, वेयर डू यू सी पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 25 years, हम किस रेस में होंगे, क्या हम टेक्नोलॉजी की रेस में होंगे, या तो 3D प्रिंटर मैन है, हम कौन सी रेस में होंगे, मीडिया आपको क्या बता रहा है, कि मीडिया जो चल रहा है टीवी पे उससे क्या लग रहा है, कौन सी रेस में होगे, मुझे तो एक ही रेस नजर आती है, या साली से लगे हुए होगे या ससुर बहू पे लगा हुआ होगा, यही नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि टीवी पे ये नॉर्मलाइज हो गई, ये चीज यही आती है, औरतें बस पिट रही हैं, जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई दूसरी बात नहीं, कोई किसी साइंस के टीचर के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं आता, प्रायोरिटीज ही नहीं है ना, कोई बच्चे किस किन के इस पे ही बना लो यार, मतलब एक कपल है, उनकी तलाक हो गई, वैसे तलाक बहुत करता ना, अब बच्चे किस पेन से गुजर रहे हैं, किस अजियत से गुजर रहे हैं बच्चे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्टिव बच्चे होते हैं एक डिवोर्स हाउस होल्ड में। मैं ही नहीं कह रहा डिवोर्स बुरी चीज़ है, अगर एक चीज़ आपकी नहीं चल रही उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, बच्चों पे साइकोलॉजिकल असर क्या होता है उस पे कोई बनाओ। सिंगल फादर भी तो होते हैं जिनको नौकरी भी करनी है, फिर पैम्पर भी चेंज करना है, उनकी क्या स्ट्रगल्स होती हैं उस पे कोई बात नहीं करता। सिंगल मदर्स भी तो होती हैं, काम भी कर रही हैं, ये भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं, आई एम श्योर इस पे आए होंगे ड्रामास, मैं इतना देखता नहीं हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मगर ये बहुत सारे एंगल्स हैं यार,
इन पे भी बात करें, बस छोड़ दें। बहुत लोग कर दिए प्रेग्नेंट, बहुत अचार खा लिया हैदराबाद कॉलोनी का, कोई और बात कर लो खुदा के वास्ते। बच्चे पागल चल रहे हैं आजकल। अबे लोगों को नौकरियां लेने नहीं आती क्योंकि उनको कभी सिखाया ही नहीं गया। कभी टीवी पे कोई प्रोग्राम ही नहीं आया कि यार आपकी पर्सनल ग्रूमिंग कैसे होनी है, अपने आप को ग्रूम कैसे करना है, किसी महफिल का हिस्सा कैसे बनना है, नौकरी कैसे लेने जानी, कुछ नहीं आता। छोकरी कैसे लेनी ये सब सिखा रहे हैं, नौकरी लेना कोई नहीं सिखा रहा। कभी कोई ड्रामा आया, कभी कोई प्रोग्राम आया इस पे कि यार आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर किस तरह काम करना है? भाई प्रायोरिटीज ही नहीं। औरतें रुलाओ, नंगा नचाओ, इसी पे व्यूज हैं, इसी पे हिट्स हैं, क्योंकि कॉम का मेंटल लेवल ही थर्ड क्लास हो गया। ये सोच कहाँ से आई, किसने मनाई है? अब ये आखिरी बात, सॉरी इससे पहले कि भूल जाऊं मैं, ये जो टीवी चैनल अक्सर ये कहते हैं कि जी पब्लिक की ये डिमांड है, पब्लिक बोलती है तो हम ये बनाते हैं। चलो आज सोशल मीडिया का दौर है, आज से 15 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो भाई क्या तू कभी गया है रिक्शा पकड़ के पीटीवी स्टेशन? क्या जरा बहन भाई का चक्कर दिखा दें, बड़ा दिल कर रहा है। और वो बोले कि हाँ, वो घुसने नहीं देते तुम्हें किसी चैनल में, आप घुस के दिखा दो मुझे, जाएं जरा ARY के दफ्तर में, इतना बड़ा गेट है वहाँ पे, 6 गार्ड खड़े होते हैं बाहर, हम टीवी के दफ्तर जाके दिखाएं, जियो के दफ्तर। ये क्या बात करते कि जी पब्लिक, कौन सी पब्लिक है जो अपनी बाइक स्टार्ट करके लांडी से निकला है बीवी को लेके और आके जी चंद्रीगढ़ रोड पे दफ्तर में बोल रहे कि जी जरा ये वाला ड्रामा दिखा दें? ये कौन है पब्लिक जो आके डिमांड कर रही है कि हमें ये चीज दिखाओ? ये बकवास है। आप खुद बनाते हो अपनी ऑडियंस। मेरे पास तो कोई नहीं बोलता कि जी ये वाली वीडियो बनाए, वो बनाए, वो बनाए। मुझे तो किसी ने नहीं बोला ये वीडियो बनाओ, मेरा दिल करा मैं खोल के बैठ गया। तू गया है कभी रिक्शा पकड़ के, एक्सक्यूज मी, वॉशिंग मशीन ये सीन है, इसको जरा यूं करके जरा दिखा दे, मजा आ जाएगा। बकवास है। पब्लिक आके डिमांड कर, पब्लिक के पास खाने को नहीं है, सैर तफरी का नहीं है बे। 150 रुपये कितने का पेट्रोल लीटर? 118 के लीटर पे वो आएगा औरंगी टाउन से बाइक लेके तुम्हारे दफ्तर बताने के जी ये वाला ड्रामा दिखा दे। क्या बात करते हो यार। खैर चलें भाई, बहुत हो गया, फिर बात करेंगे।